दोस्तों, अगर आपसे कोई हिंदी एक्ट्रेस के रियल हस्बैंड के बारे में पूछे तो आप बता सकते हो, लेकिन अगर आपसे कोई साउथ एक्ट्रेस के रियल पतियों के बारे में पूछे तो शायद ही आप में से कोई बता सकता है। तो अगर आप भी साउथ एक्ट्रेस के रियल पतियों के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है नंदिनी कल्याण देसाई, जिनका पूरा नाम कोनिडाला नंदिनी है। इन्होंने 1997 में पवन कल्याण से शादी की, जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ पॉलिटिशियन भी है, लेकिन कुछ आपसी विवाद के चलते उन्होंने 2007 में तलाक ले ली और फिर 2010 में कृष्णा रेड्डी से शादी कर ली, जो कि एक डॉक्टर हैं। नंबर दो, शालिनी कंदुकुरी। शालिनी की इंगेजमेंट 16 अप्रैल 2020 को हैदराबाद में हुई थी और इन्होंने 16 जुलाई 2020 को अपने बेस्ट फ्रेंड नितिन रेड्डी से शादी कर ली, जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी है। नंबर तीन, लक्ष्मी प्रगति। दोस्तों, इन्होंने 5 मई 2011 को जूनियर एनटीआर यानी कि नंद मूर्ति तारक रामा राव से शादी की। जूनियर एनटीआर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम की है, जैसे टेम्पर, लव कुश और भी बहुत सारी फिल्में। वहीं लक्ष्मी प्रणति के दो बेटे हैं। पहले बेटे का नाम नंदामुरी अभयराम है और दूसरे बेटे का नाम भार्गव राम है। नंबर चार, सामांथा रुथ प्रभु। साउथ की खूबसूरत अदाकारों में से एक सामांथा ने अपनी एक्टिंग से लाखों लोगों का दिल जीता है। 45 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली सामांथा आज भी अपने एक्टिंग करियर में बिजी है। सामांथा ने 6 अक्टूबर 2017 को नागा चैतन्य से शादी की और कुछ आपसी विवाद के चलते इन्होंने 2017 में तलाक भी ले ली। नंबर पाँच, नम्रता शिरोडकर, जो कभी टॉप एक्ट्रेस के गिनती में आती थी, जिन्होंने कच्चे धागे और एलओसी जैसे और भी फिल्मों में काम की है। नम्रता ने 10 फरवरी 2005 को महेश बाबू के साथ सात फेरे लिए, जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। वहीं नम्रता के एक बेटे और एक बेटी भी है। बेटा का नाम गौतम घट्टम नेनी है और बेटी का नाम सितारा घट्टम नेनी है। नंबर छह, संगीता सुंडलिंगम। संगीता ने 25 अगस्त 1999 को विजय यानी जोसेफ विजय चंद्रशेखर से शादी की, जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ बेहतरीन सिंगर भी हैं। इनकी शानदार एक्टिंग के बदौलत इन्हें कई सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है और साथ ही ये कई सारी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। वहीं संगीता के भी एक बेटे और एक बेटी है। बेटा का नाम जेसन संजय है और बेटी का नाम दिव्या साशा है। नंबर सात, काजल अग्रवाल। काजल अग्रवाल की गजब खूबसूरती होने के साथ साथ वे जबरदस्त एक्टिंग भी करती है। इसी के दम पर इन्होंने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। काजल ने 30 अक्टूबर 2020 को गौतम किचलू से शादी की, जो कि एक इंटरप्रेन्योर हैं। वहीं इनका एक बेटा है, बेटा का नाम नील किचलू है। नंबर आठ, स्नेहा रेड्डी। स्नेहा रेड्डी एक खूबसूरत एक्ट्रेस होने के साथ साथ वे एक अच्छे राइटर भी हैं। स्नेहा रेड्डी ने 6 मार्च 2011 को अपने बॉयफ्रेंड अल्लू अर्जुन से शादी की। अल्लू अर्जुन को स्टाइलिश स्टार के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी एक्टिंग को देखते हुए इन्हें कई सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। वहीं स्नेहा रेड्डी के एक बेटे और एक बेटी भी है। बेटा का नाम अल्लू अयान है और बेटी का नाम अल्लू अराहा है। नंबर नौ, राधिका पंडित। कन्नड़ सिनेमा से अपने करियर की शुरुआत करने वाली राधिका अभी तक 20 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है। राधिका ने 9 दिसंबर 2016 को KGF फेम यश से शादी की। वहीं राधिका के एक बेटे और एक बेटी है। बेटा का नाम आयुष है और बेटी का नाम आयरा है। नंबर 10, उपासना कामिनेनी। उपासना ने 11 जून 2012 को रामचरण से शादी की, जो कि एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन भी हैं। उपासना की एक बेटी भी है। बेटी का नाम क्लीनकारा है। नंबर 11, अंजना येलावृत्ति। अंजना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ एक बेहतरीन बिजनेसमैन भी हैं। अंजना ने 27 अक्टूबर 2012 को टॉलीवुड एक्ट्रेस नानी से शादी की। वहीं अंजना के भी एक बेटे हैं। बेटा का नाम अर्जुन घंटा है। नंबर 12, ज्योतिका। ज्योतिका मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में ज्यादा दिखाई देती है। इसके अलावा इन्होंने तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। ज्योतिका ने 11 सितंबर 2006 को सूर्या यानी कि सर्वनंद शिव कुमार से शादी की, जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। वहीं ज्योतिका के एक बेटे और एक बेटी भी है। बेटा का नाम देव है और बेटी का नाम दिया है। नंबर 13, दिव्या नायर। दिव्या नायर अब तक 51 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है। कई बार बेस्ट एक्ट्रेस की किताब जीतने वाली दिव्या नायर अभी भी अपने आने वाले फिल्मों में बिजी हैं। दिव्या ने 21 जनवरी 2010 को संतोष मेनन से शादी की, जो कि एक बिजनेसमैन है और इनके भी एक बेटा है। बेटा का नाम साई कृष्णा है। नंबर 14, श्रिया शरण। श्रिया शरण एक जमाने के सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस मानी जाती थी। शिवाजी सहित 75 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली श्रिया शरण ने एक रशियन नागरिक से शादी की। श्रिया शरण ने 19 मार्च 2018 को आद्रेय कोस्टिव से शादी की, जो कि एक बिजनेसमैन के साथ साथ टेनिस प्लेयर भी हैं।
नंबर 15 वीरानिका रेड्डी। वीरानिका रेड्डी एक एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ वे पूर्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस रेड्डी की भतीजी भी है। वीरानिका रेड्डी ने 2008 में विष्णु मांचू से शादी की, जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी है। वहीं वीरानिका के एक बेटे और दो बेटी भी है। बेटा का नाम अवराम भक्त है और पहले बेटी का नाम एरियाना है और दूसरी बेटी का नाम विवियाना है। नंबर 16 रेशमा। रेशमा ने 12 मई 2013 को गोपीचंद से शादी की, जिनका पूरा नाम टोटेमपुडी गोपीचंद है। वहीं इनके एक बेटे भी हैं, बेटा का नाम विराट कृष्णा है। नंबर 17 रम्या कृष्णा। बाहुबली में राजमाता शिवगामी देवी का किरदार निभाने वाली रम्या कृष्णा 10 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है। रम्या ने 12 जून 2003 को कृष्णा वामसी से शादी की, जो कि एक डायरेक्टर है। वहीं रम्या के एक बेटे भी हैं, बेटा का नाम ऋत्विक वामसी है। नंबर 18 जेनेलिया देशमुख। जेनेलिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तुझे मेरी कसम से की थी। इन्होंने कई तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़ व हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। जेनेलिया ने 3 फरवरी 2012 को रितेश देशमुख के साथ शादी की। वहीं जेनेलिया के दो बेटे हैं, पहले बेटे का नाम रियान है और दूसरे बेटे का नाम राहिल है। नंबर 19 लता रजनीकांत। लता सिंगर होने के साथ साथ वे फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। लता का दूसरा नाम लता राव गायकवाड़ है। लता ने 26 फरवरी 1981 को सदाबहार सुपरस्टार रजनीकांत से शादी की, जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। वहीं लता की दो बेटी भी हैं। पहले बेटी का नाम ऐश्वर्या रजनीकांत है और दूसरी बेटी का नाम सौंदर्या रजनीकांत है। नंबर 20 प्रणीता सुभाष। साउथ की ये बेहतरीन एक्ट्रेस प्रणीता 28 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है। इनके शानदार लुक की वजह से इन्हें कई सारे फिल्मों में काम करने को मिली। प्रणीता ने 30 मई 2021 को नितिन राजू से शादी की, जो कि एक बिजनेसमैन है। और जून 2022 में प्रणीता ने एक बेटी को जन्म दिया, जिनका नाम आरना है। नंबर 21 राधिका शरद कुमार। कई फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली राधिका एक फिल्म प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर है। इन्होंने 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम की है। वहीं राधिका ने 3 शादियां की है। पहली शादी 1985 में प्रताप पोथेन के साथ की थी और इनकी शादी 1 साल तक भी नहीं टिक पाई और इन्होंने 1986 में तलाक भी ले ली। और इन्होंने 1990 में रिचर्ड हार्डी के साथ शादी की थी और इनकी भी शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और इन्होंने 1992 में फिर से तलाक ले ली। और फिर इन्होंने तीसरी शादी 2001 में रामनाथन शरद कुमार से की, जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ पॉलिटिशियन भी है। वहीं रामनाथन और राधिका के एक बेटे हैं, बेटा का नाम राहुल है। नंबर 22 नजरिया नाजीम। मलयालम और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम समय में अच्छी खासी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस नजरिया नाजीम एक एक्ट्रेस के साथ साथ वे एक सिंगर भी हैं। इन्होंने 21 अगस्त 2014 को फहद फासिल से शादी की, जो कि एक एक्टर हैं। नंबर 23 भूमिका चावला। साउथ और बॉलीवुड में अपना जलवा दिखाने वाली भूमिका का जन्म 21 अगस्त 1978 को हुआ था। भूमिका ने 21 अगस्त 2007 को भरत ठाकुर से शादी की, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है। और इन्होंने फरवरी 2014 में एक बेटे को जन्म दिया, जिनका नाम यश ठाकुर है। नंबर 24 भावना। साउथ की मशहूर एक्ट्रेस भावना का असली नाम कार्तिका मेनन है। इन्होंने तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। भावना ने 22 जनवरी 2018 को कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर नवीन के साथ सात फेरे लिए। नंबर 25 शरण्या मोहन। अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जाने जाने वाली शरण्या ने अब तक 30 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है। शरण्या ने 6 सितंबर 2015 को अरविंद कृष्णन के साथ शादी की, जो कि एक डेंटल सर्जन है। वहीं शरण्या के एक बेटे भी हैं, बेटा का नाम अनंत पद्मनाभन अरविंद है। वैसे दोस्तों, इनमें से आपको कौन से एक्टर्स की जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर लिखे। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद।